आज हम बना रहे हैं ब्रेड की मिठाई। उसके लिए मैंने एक कटोरी शुद्ध घी लिया है, ये ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने, इसमें काजू बादाम किशमिश सभी ड्राई फ्रूट है। इसको हम कट करके लेंगे छोटे टुकड़ों में, ग्रेट करके नारियल लिया है, और एक बड़ी कटोरी ब्रेड क्रम्स है, एक कटोरी चीनी है, चीनी को मिक्सी में पीस लेंगे। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। चीनी को पीस लिया है, ये स्लो गैस की फ्लेम स्लो करके कढ़ाई चढ़ा दी है। अब सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। मैं इस स्पून से 4 स्पून घी ले रही हूँ। फोर स्पून घी है। अब हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। एक कटोरी ब्रेड क्रम्स है। अब इसको हम घी में मिक्स कर लेंगे इस तरह। हल्का ही भूनेंगे इसे हम। हल्का भूनना है हमें इसे, 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा हम ब्रेड को नहीं भूनेंगे। एक से 2 मिनट हो गया है इसे भूनते हुए। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे इस समय। इसे ठंडा नहीं होने देना है। गैस की फ्लेम बंद कर दिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देंगे। आधी स्पून से कम इलायची पाउडर है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। प्लेट में पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। ये मैंने आधी कटोरी फ्रेश मलाई ली है। ये आधी कटोरी मलाई है। इसको हल्का सा मिंट हो जाने देंगे, जिसमें मैंने ब्रेड क्रम्स को भूना था उसी कढ़ाई में मैंने मलाई डाल दी है। गैस की फ्लेम स्लो है। मलाई को अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह। मलाई मिक्स हो गई है अच्छे से। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये जो हमने चीनी पीस के रखी थी 1 कटोरी, वो डालेंगे। मैं आधी चीनी डाल रही हूँ और आधी रख रही हूँ। मलाई और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 स्पून घी डालेंगे। मैंने 1 स्पून घी लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब
अब इसमें हम ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे जो हमने भून के रखा है। अब इसे मलाई के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह। कपड़े से पकड़ के करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। इसे एक मिनट हम इसी कढ़ाई में भूनेंगे इस तरह। देखे अब हम गैस की फ्लेम बंद कर रहे हैं। एक मिनट भूनने के बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। हल्का गुनगुना ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके गोले बनाएंगे। गुनगुना हो गया है, अब इस तरह हम उठाएंगे इसे और इस तरह इसको बांधेंगे। ये देखिए, ये बड़े आराम से बन जाता है। सेप आप कोई भी दीजिए, इसे गोल दीजिए, लंबा दीजिए, चपटा दीजिए। ये देखिए, इस तरह के रोल रेडी कर लेंगे। चलो इस तरह बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह रेडी करना है हमें, सभी को हम इस तरह बनाएंगे। ये देखिए, एक और दिखा देती हूँ, बहुत आसानी से बन जाते हैं ये। अब इसे चिकना कर लीजिए इस तरह। पहले मुट्ठी बांधिए और फिर इसको लंबा करके इस तरह चिकना करेंगे। ये देखे, ये देखे, रेडी है। हम इस तरह रेडी कर लेंगे अपनी मिठाई। चलिए कर लेती है। देखिए दोस्तों, 5 मिनट में रेडी हमारी मिठाई है, होली स्पेशल। एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से, ये बहुत टेस्टी बनती है। खे हमने मिठाई रेडी कर ली है, होली स्पेशल, झटपट बनने वाली मिठाई। नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे।